आने वाले होली के त्योहार पर शहर में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसलिए शहर में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए इमामबाड़ा पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर एक महिला दारू विक्रेता के घर छापा भी मारा है। जानकारी के अनुसार होली के त्योहार पर शहर में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसलिए पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने शहर की पुलिस को कॉम्बिंग ऑपरेशन के निर्देश दिए, जिसके तहत इमामबाड़ा पुलिस द्वारा मार्च निकाला गया, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए दो आरोपी पंकज साहू और शिवा धाकड़े को हिरासत में ले लिया गया। ये दोनों ही आरोपी आपराधिक वृत्ति के है, जिसके चलते किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो इनके द्वारा न की जाए, इसलिए इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो वहीं होली के दिन अवैध दारू बिक्री के लिए आशा ताड़े नमक महिला ने अपने ही घर में अवैध दारू का संग्रह किया था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने रेड मार कार्रवाई करते हुए दारू के संग्रह को कब्जे में ले लिया। आगे कॉम्बिंग ऑपरेशन के चलते अधिक कार्रवाई की जा रही है। होली च्या अनुषंगाने माननीय वरिष्ठांच्या कडून आदेश प्राप्त झाले होते की रेकॉर्डवरील आरोपी व कॉम्बिंग ऑपरेशन द्वारे त्यांच्यावर कारवाई करायची आहे। तर आज रोजी आम्ही सकाळी 5 वाजल्यापासून ते 9 वाजेपर्यंत माननीय वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांच्यासह डीबी पथक व बीट मार्शल व तपास पथक यातील सहकाऱ्यांच्या मदतीने जवळजवळ 2 प्रोहिबिशनच्या कारवाई केलेल्या आहेत। तसेच रेकॉर्डवरील 2 आरोपी आहेत त्यांच्यावर 151(3) प्रमाणे कारवाई करण्यात आलेली आहे। तसेच होळीच्या अनुषंगाने 144(2) CRPC प्रमाणे 18 जणांना नोटिसा दिल्या आलेल्या आहेत। आज रोजी सकाळी दहीकर जेंडा या ठिकाणी उषा तायडे म्हणून एक लेडीज आहे, महिला आहे, तिच्या घरी आम्ही एक कारवाई केलेली आहे। जवळजवळ 18 बॉटल्स आम्ही जप्त केले आहेत तिच्याकडून देशी दारूच्या। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।